हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम एनवायरनमेंट टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन दैट चेंजेस अलोंग एनवायरनमेंटल ग्रेडियंट इज कॉल्ड अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके या नन ऑफ द अबव। एनवायरनमेंटल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पास ही के दो इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीसीज में डाइवर्सिटी है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ही इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीसीज के बीच में जो डाइवर्सिटी होगी उसे अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे, जबकि एक रीजन के अंदर जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम हैं उसके अंदर जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है उसे हम गामा डाइवर्सिटी बोलेंगे। और ये तीनों जो हैं डाइवर्सिटी को मेजर करने के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, अरेंज अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज CO2, मिथेन, N2O, ओजोन, CFC या CFC, मिथेन, N2O, ओजोन, CO2 या CFC, मिथेन, ओजोन, N2O, CO2 या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CO2 की कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे अधिक है, लेकिन अगर हम जो पोटेंशियल बोलें तो पोटेंशियल CFC का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि CFC सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज उनकी मात्रा की बात करें तो CO2 सबसे ज़्यादा है। N2O जो होता है इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, बाकी ये क्रम है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इट इज़ NGO फॉर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन सेप्टेम्बर 1883। इट रिलीज अ मैगजीन हॉर्नबिल। तो ये एक रिसर्च से संबंधित एनवायरमेंट की NGO है, सही है ये, और इसकी स्थापना सितंबर 1883 में हुई थी, ये भी करेक्ट है। इट रिलीज अ मैगजीन हॉर्नबिल, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच मैगजीन इज रिलीज बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE। पहला डाउन टू अर्थ, दूसरा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ। डाउन टू अर्थ एनवायरमेंट की एक बहुत फेमस मैगजीन है जो कि CSE के द्वारा पब्लिश की जाती है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पेयर। इंस्टीट्यूट और लोकेशन से हमको मैच करना है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सकून, ये जो है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी है, कल्प्रिक्स सोसाइटी। तो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून में, और सलीम अली इंस्टीट्यूट ये कोयम्बटूर में है, और कल्पवृक्ष सोसाइटी ये पुणे में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन रिलेटेड टू सलीम अली, जेसी डैनियल, SH प्रेटर या PV बोले। तो सभी जानते हैं सलीम अली जो है इन्होंने बर्ड्स के ऊपर बहुत काम किया था, इन्हें फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी बोलते हैं। जेसी डैनियल, इन्होंने रेप्टाइल्स के ऊपर कार्य किया था। SH प्रेटर, इन्होंने मैमल्स पर कार्य किया है। और PV बोले, इन्होंने वृक्ष पर कार्य किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन्फोर्स ऑन। बताना है कि ये अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ है। 19 नवंबर 1986, 16 मई 1981, 23 मार्च 1973, 9 दिसंबर 1972। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा 16 मई 1981 को एयर पोल्यूशन एक्ट लागू हुआ है, 23 मार्च 1974 को वाटर पोल्यूशन एक्ट लागू हुआ है, और 9 दिसंबर 1972 को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। 1899, 1890, 1916 या 1857। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1890 के अंदर हुई है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है, और इसके 9 अन्य रीजनल सेंटर्स भी हैं। इसके अलावा 1916 को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल वॉज गिवन बाय टेंसले, ऑडम, लिंडमैन या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडम ने दिया था। ऑडम ने कहा था कि प्लांट के बाद जो सीरीज होती है फूड चेन की, वो दो
प्रकार की हो जाती हैं, जिसे पहला हम ग्रेजिंग बोलते हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग ग्रास जो फॉरेस्ट के अंदर या ग्रास लैंड के अंदर होती है, और दूसरी जो होती हैं जो डिकम्पोजर की जो होती हैं, जिसे हम डेट्रिटस फूड चेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन डिकेइंग वुड इज कॉल्ड एक्सार्च, सेमोसिरी, सेरुल या हेलोसिरी। तो जो सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, इसे हम सेरुल बोलते हैं। इसके अलावा एक्सार्च जो होता है, ये जो ड्राई सरफेस होती है या फिर जो एक सूखा प्रदेश होता है वहाँ पर एक्सार्च होती हैं, और जो सैंड जो रेत के अंदर जो होगी उसे हम सेमोसिरी बोलेंगे, और जो सेलाइन या सॉल्ट वाली जगह लवणीय क्षेत्र में जो होगी उसे हम हेलोसिरी बोलेंगे। ये सभी जो हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन किस स्थान पर हो रहा है उस प्रकार इनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट इन न्यू एरिया इज कॉल्ड सीरी, इकेसिस, एग्रीगेशन या सेरुल। तो इसका आंसर हो जाएगा इकेसिस। इकेसिस मतलब किसी प्लांट का नए क्षेत्र के अंदर जो इंट्रोडक्शन होता है उसे हम इकेसिस बोलते हैं, और जब इसके अंदर जो जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है उसे हम एग्रीगेशन बोलते हैं, और सीरी मतलब होता है कि जो पूरी सीक्वेंस बनती हैं एक बंजर जमीन से लेकर जंगल तक, एक प्रायनर जिसे हम पायनर स्पीसीज बोलते हैं, वहाँ से जब ये क्लाइमेक्स तक पहुँच जाता है तो इस पूरी जो सीक्वेंस होती है इसे हम सीरी बोलते हैं। ठीक है, और अधिक इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है डिटेल में, आप उससे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इकोलॉजिकल सक्सेशन इन लिथोस्फीयर इज करेक्ट। तो ये हमें बताना है कि कौन सी सीक्वेंस जो होगी जो चट्टान के ऊपर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा उसके लिए करेक्ट है। तो पहले लीचेंस आते हैं, लीचेंस के अंदर भी सबसे पहले क्रस्टोज होते हैं, क्रस्टोज लीचन, फॉलिस लीचन, फिर मोज, हर्ब्स, सर्ब्स, फिर फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन यूपीसी में आया हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस हमें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द बुक डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के लेखक कौन है बताना है, ई ओ विल्सन, सलीम अली, चार्ल्स डार्विन या रिचर्ड कार्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ओ विल्सन की किताब है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। सलीम अली की किताब का नाम है फॉल ऑफ स्पैरो, चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और रिचर्ड कार्सन की किताब का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, और ये जो साइलेंट स्प्रिंग किताब है इसी के अंदर इन्होंने जो पेस्टिसाइड की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसका सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पेयर, एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये बताना है कौन सा अधिनियम किस वर्ष आया था। तो एयर पोल्यूशन एक्ट आया था 1981 के अंदर, वाटर पोल्यूशन एक्ट आया था 1974 के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 के अंदर, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, लाइम, जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, नन ऑफ द अबव। तो जो अम्लीय मृदा होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइम ए। अगला क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज टू ट्रीट एल्कलाइन सॉइल, जो सारी मृदा होती है उसके लिए कौन सी केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिप्सम, बोथ ऑफ ए एंड बी या लाइम। यहाँ पर केमिकल पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, लेकिन अगर केमिकल नहीं होता तो इसके अलावा फिर ये दोनों सही हो सकते थे, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी का भी इस्तेमाल एल्कलाइन सॉइल में होता है, लेकिन ये केमिकल नहीं है इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। अगर यहाँ पर केमिकल नहीं होता तो बहुत बार करेक्ट हो जाता, क्योंकि दोनों एल्कलाइन सॉइल को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन केमिकल सिर्फ जिप्सम है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एनवायरमेंट कंजर्वेशन, 42A, 48A, 50 या 24A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48A। इसके अलावा आर्टिकल 51AG, ये भी एनवायरमेंट से संबंधित एक मौलिक कर्तव्य है हमारे। ठीक है, तो संविधान के अंदर ये दोनों अनुच्छेद के अंदर एनवायरमेंट कंजर्वेशन और उसके प्रोटेक्शन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, विच इंसेक्ट इज नोन एज फार्मर फ्रेंड, राउंड वॉर्म, रेड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड वॉर्म। ये अर्थ वॉर्म का ही एक दूसरा नाम है, इसके अलावा अर्थ वॉर्म को हम
एंजल वॉर्म भी बोलते हैं, तो अर्थ वॉर्म के ही ये दो नाम है, रेड वॉर्म या एंजल वॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेड वॉर्म। अगला क्वेश्चन, एस्परजिलस फ्लेवस एक प्रकार की जो फंगस होती हैं वो इन्फेक्ट करती हैं ग्राउंड नट और ग्रेन्स को, जिसके कारण एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, उसका नाम बताना है। एस्केरिसिस अल्फा टॉक्सिन, बीटा टॉक्सिन या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा टॉक्सिन। ये जब ग्राउंड नट और जो ग्रेन्स, जो मूंगफली और जो अनाज है वो जब सड़ जाता है तो इसके ऊपर एक फंगस बैठती है, जिसके कारण ये टॉक्सिन निकलता है, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बाइसिनोसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन लंग्स डिजीज, इट कॉजेज बाय कॉटन पार्टिकल। तो इसे ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं और ये कॉटन पार्टिकल्स की वजह से भी होती हैं, इसी कारण जो कॉटन इंडस्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं उनको ये मुख्यतः बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 हेल्ड एट जोहान्सबर्ग, जकार्ता, स्टॉकहोम या ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है। अगला, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 हेल्ड एट जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो, स्टॉकहोम या ब्राज़ील। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये स्टॉकहोम में हुई थी और इसकी तारीख जो थी वो 5 जून को हुई थी, इसलिए हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा 1992 के अंदर अर्थ समिट हुई थी जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी या नन ऑफ द अबव। तो एक ही क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं उसके अंदर जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं उसे हम गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। अगला, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ओजोन कंसंट्रेशन, डेसिबल, डेप्सन, डॉस्टन या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉप्सन, ये ओजोन को कैलकुलेट करने की एक इकाई है। अगला, क्लोरोसिस अगर ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ विच पॉल्यूटेंट, SO2, NO2, N2O या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO2। SO2 के कारण जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, जिसे हम क्लोरोसिस भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO2। थैंक यू फ्रेंड्स।